Welcome to बाजे की दुनिया कनाडा में everyone, and this is a new week. Today was Monday, and यहाँ पर हम जो groceries करके लाए थे मैं उनको संभाल रही हूँ. इस जो ये जो डिब्बा है ना जिसमें मैं आटा और चावल डालती हूँ, इसके बारे में मुझे ना बहुत लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है. ये मैंने Amazon से लिया है everyone, and ये बहुत limited मिलते हैं Amazon पे. ये वाला जो डिब्बा है बहुत इसकी अच्छी स्पेस है और अच्छा भी बहुत लगता है, और बना भी आटे के लिए है और चावल के लिए है, तो इसमें से निकालना भी अच्छा होता है. इसकी ना ऊपर से एक विंडो सी बनी हुई है जहाँ से आप आटा और चावल निकाल सकते हैं. दिस इज़ माई फेवरेट थिंग. इसको अब तो मैं ना अपने काउंटर शेल्फ के ऊपर ही रखती हूँ, नेक्स्ट टू माई कॉफ़ी मेकर, एंड इट लुक्स अमेजिंग टू. तो मैंने सोचा कि आज का जो दिन है ना, जो मंडे का दिन होता है ना, उसको मैं खाने के साथ, मैं डिनर बना रही थी उसके साथ, मैं शुरू करती हूँ मेरे डिनर के साथ, और बहुत ही मज़ेदार सा खाना बना रही हूँ. लेकिन क्या हुआ, हमारे जो कोफ्ते बनाए थे ना मैंने परसों, वो पड़े हुए थे फ्रिज में, तो कोई खा नहीं रहा था. तो मैंने सोचा कि वो जो कोफ्ते हैं उसको मैं गोभी में डाल के गोभी कोफ्ते बनाती हूँ. तो आई डिडंट वांट टू वेस्ट द मीट. तो मैंने क्या किया, मसाला वगैरह बनाया मैंने, एंड फिर मैंने कोफ्ते उसमें डाले और उनको थोड़ा मैश किया, एंड देन गोभी डाली, एंड देन उसको मैंने गोभी को काफ़ी देर पकाती हूँ, उसको मैं मैश करती हूँ. मुझे जो सब्ज़ियाँ हैं ना बिल्कुल पसंद नहीं होती जब वो उसकी असली फॉर्म में रहती हैं. मुझे पसंद होती हैं सब्ज़ियाँ ज़्यादातर मैश्ड, और जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर मैं सब्ज़ियाँ बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है. स्पेशली क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों की ना एक चीज़ होती है कि आपको बहुत दिल करता है सब्ज़ियाँ खाने को. तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ देसी स्टोर्स जो हैं वहाँ से मैं जाकर लेकर आऊँ. मुझे टिंडियाँ बहुत पसंद हैं, एक तो मुझे टिंडियाँ कहीं से मिलती नहीं है, ज़्यादातर बहुत कम टिंडियाँ मिलती हैं कैनेडा में, लाइक बहुत रेयरली कभी आएंगी. तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ जब भी मुझे नज़र आए, क्योंकि वंस मुझे टिंडियाँ बनाना ज़रूर अच्छा लगता है, वंस इन अ मंथ अगर मुझे कहीं मिल जाए. एंड आई एम गोना गेट शलजम, आई एम गोना गेट भिंडी, या आई एम गोना गेट ऑल द थिंग्स. गोभी जो होती है ना, गोभी, भिंडी, बैंगन और अरवी, ये वॉलमार्ट में बहुत मिल जाती है, लेकिन बाकी सब्ज़ियाँ हमें देसी स्टोर से ज़्यादातर मिलती हैं. तो यहाँ मैंने सोचा कि साथ में सैलड बना लूँ, क्योंकि जो गोभी बना रही हूँ उसके साथ अगर सैलड ना हो तो अच्छा नहीं लगता इतना. तो सैलड का काफ़ी सामान पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने कल क्यूकम्बर लेके आई थी, लेकिन जो रेडिश और कोल्सलो पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने सारा मिक्स करके बनाती हूँ. और इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि ओलिव ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ओरिगेनो. मुझे ये तीन चीज़ें बहुत पसंद हैं सैलड में. एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हम खाना खाने जाते थे, वो इस तरह का सैलड बनाते थे, और जब मैं उसको टेस्ट करती थी ना, आई कुड टेस्ट द इंग्रेडिएंट्स इन इट. तो मैं घर आई, मैंने आकर ना जब ट्राई की इंग्रेडिएंट्स जो मुझे लगता था कि उसमें है, और इट टर्न्ड आउट टू बी सो टेस्टी. और यहाँ पर मैं गोभी को मैश कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो हम गोभी को खाएंगे रोटी के साथ, लेकिन सुबह के पराठे बनेंगे मैश्ड गोभी विद अ लिटिल मोर स्पाइस इन इट. और मैं इसके गोभी के पराठे बनाऊंगी, साथ में होगा दही और दही की चटनी, आई एम सॉरी, दही में चीनी डालकर, चटनी नहीं. एंड वी लव गोभी के पराठे, बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और मुझे ये फ़ायदा होता है बच्चों को ना, इस तरह अगर मैं वेजिटेबल्स डाल के बना दूँ ना पराठे, तो उनके लिए एक तो हेल्दी भी है वेजिटेबल्स खाना, और बहुत आसान होता है बच्चे खाना इस तरह से वेजिटेबल्स खा लेते हैं, वरना बच्चे बहुत तंग करते हैं सब्ज़ियाँ खाने पर या सालन कभी खाने पर. एंड यहाँ मैं अम्मी जान के घर आई हूँ, मैंने कहा शाम की चाय पीते हैं अम्मी जान के साथ जाकर. कभी हम सुबह का ब्रेकफास्ट खाते हैं, कभी शाम की चाय पीते हैं. मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर पानी दिया जा रहा है पौधों को, तो मैंने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी कि घास काटा गया पहले, तो यहाँ पर अब पानी दिया जा रहा है. और पहले स्प्रिंकलर भी लगे हुए थे, उसकी स्नैपशॉट मुझे आई, तो मैं समझ गई कि ना बाहर गार्डनिंग हो रही है आज. तो मैंने सोचा कि मैंने आज ना अम्मी जान के घर जाकर चाय पीनी है बाहर बैठ के. तो कॉफ़ी में पी के आई अपने घर से, लेकिन मैंने कहा एक बार फिर से चाय पीने में क्या जाता है. राइट राइट बहना, सो यू आर गार्डनिंग कर रही हो आज तो मम्मी जान के घर पे. बहना वहाँ पानी नहीं दिया, जल्दी वहाँ पे दो ना, उधर भी नहीं दिया. अच्छा काफ़ी साफ लग रहा है घास ना, लेकिन ना थोड़ा ग्रीन होने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा ड्राई हुआ हुआ है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ी है, लेकिन आज तो ठंडा है गाइस. ये जो मेरा बेटा है, सब जैकेट पहनी हुई है, वो भी गर्म वाली, और जो पानी दे रही है उसने ब्लैंकेट पहना हुआ है. सो या कुछ लोगों को ठंड बहुत ही लगती है ना, हमें नहीं लगती, हम तो गुजारा कर लेते हैं इतनी थोड़ी बहुत. अब ये पानी दे रहा है, इनको बहुत शौक है पौधों को पानी देने का. सो मैंने अम्मी जान से कहा, अम्मी जान हमने क्या पकोड़े खाने हैं, अभी पहले हमने आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, और मैंगो आइसक्रीम है गाइस अम्मी जान के पास, और साथ में है वनीला आइसक्रीम, एंड दिस
दिस इज फ्रॉम द वॉल्स, इसका छिलका उतारा हुआ है इसलिए ऐसे लग रहे हैं। तो बहना ये फ्रूट्स खाएगी, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, और हम यहाँ खाएंगे मैंगो आइसक्रीम। मैं तो आइसक्रीम खा लगी बैठ के, कैंट वेट। सो यहाँ पर अम्मी जान बना रही हैं भिंडी, बड़े मज़ेदार से। तो ना मैं निकलने लगी थी तो अम्मी जान कहती हैं कि ना जाने से पहले भिंडी लेती जाओ। तो मैंने कहा अम्मी जान ये किस बात पे आपने रोक लिया, आई लव भिंडी एंड नाउ आई हैव टू वेट फॉर इट। तो मैंने ना थोड़ा वेट करी तो थोड़ा पानी सूख जाए। और यहाँ पर इस तरफ बन रहा है गोश्त। ओ अम्मी जान गोश्त भी तैयार है, ओ थैंक यू अम्मी जान। तो मैंने ये खाना साथ लेके जाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है बस खाना खाने का, 11 बजने वाले हैं एंड माय किड्स हैव टू स्लीप, आई डोंट हैव टाइम टू ईट, सो आई एम गोना टेक इट टू माय होम। घर जाके ना नेटफ्लिक्स शो लगा के ना आराम से खाना खाऊंगी सुकून से बैठ के, और बच्चे भी सो जाएंगे, बच्चों ने तो खाना खा लिया है। अभी तो नीचे लग रहा है भिंडी, तो क्या करूँ, तेज रहे हिला तो रही हूँ पर वो ना टूट जाएगी अगर मैंने दबा हिलाया तो। और राइट, तो ना हमने इसको अच्छी तरह से जब इसका पानी सूख जाएगा ना अभी मज़ेदार से बन जाएगा ना फिर हम इसको खाएंगे। मैंने घर पर बनाया हुआ भिंडी, क्या बनाया था मैंने आज आपने देख लिया होगा मेरे यूट्यूब पे, गोभी कीमा। और क्या है कि मैं ना एक टाइम पे एक ही खाना खा सकती हूँ तो इसलिए अब मैं ये खाऊँगी। भिंडी लेकर जा रही हूँ मैं जान के घर से एंड घर जाके बच्चों को सुलाना, बहुत टाइम हो गया। एंड घर जाके मैं भी खाने वाली हूँ ये मज़ेदार से, फील सो गुड टू बी होम। घर जाके भिंडी खाऊंगी, बहुत भूख लगी हुई है, मैंने कहा बच्चों का घर जाकर सुला दूँ उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। सो लेट्स गो होम गाइस। सो आई होप यू गाइज लाइक माई व्लॉग फॉर टुडे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो कल 6 AM टोरंटो टाइम में फिर से अपलोड करूँगी। डू वॉच एंड डू सब्सक्राइब, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।